हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्क टूल और स्पायरल टूल कि हम किस तरह से आर्क टूल से मेजर आर्क बना सकते हैं, मेजर माइनर, और स्पायरल टूल से किस प्रकार से हम उनके स्पायरल्स डिफाइन करके कैसा फ्लावरी डिज़ाइन हम तैयार कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कंट्रोल एन करके न्यू फाइल जनरेट करता हूँ। जो भी डायमेंशन लेना है, साइज लेनी है फाइल की, वो ले सकते हैं, कस्टम ले सकते हैं, या जिसमें जो पहले से डिफाइंड है A4, A5, इस तरह से प्रिंट लेआउट हम यहाँ से चूज करके एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। और इस नई फाइल को क्रिएट करने के बाद में अब अपना टूल है आर्क टूल। इस आर्क टूल पर डबल क्लिक करने पर आर्क की प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, इसका एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं, कितने पॉइंट का आर्क लेना है, किस तरफ इसका एक्सिस होगा। देखिए प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है आर्क कैसा बनेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसा स्लोप बनेगा। और फिल बनाना है तो फिल्ड आर्क भी बना सकते हैं, इसमें लाइन फिल हो जाएगी, एक पूरा कंप्लीट आर्क क्लोज्ड हो जाएगा। ओके करते हैं। ओके करने के बाद में हम लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे तो एक कुछ इस तरह से जो हमने डायरेक्शन लिया वैसा आर्क बना देगा। अब राइट टू लेफ्ट में ड्रैग करता हूँ, ये देखिए। नाउ टॉप टू बॉटम अगर मैं ड्रैग करता हूँ या बॉटम टू टॉप अगर ड्रैग करता हूँ तो ये आर्क कुछ इस तरह से बॉटम टू लेफ्ट राइट हम कैसे भी वे में आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिया, ऐसे लिया, ओके, थोड़ा इधर ले लेता हूँ, हाइट कम कर देता हूँ। ये देखिए, ये होता है आर्क ड्रॉ करना। फ्रेंड्स, इन सभी आर्क को मैं आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ। पहले हम सेलेक्ट करेंगे सभी आर्क को एंड कंट्रोल जे। कंट्रोल जे मीन्स टू ज्वाइन ऑल द ओपन नोड्स, इन सभी ओपन नोड्स को ज्वाइन करना। अब देखिए पूरा स्टार्ट टू एंड एक पॉलीलाइन की तरह एक ऑब्जेक्ट बन गया है ये। इसको हम ऐसे आर्क की हेल्प से बना सकते हैं। ये है आर्क का रोल। हम आर्क चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। अभी ये आ रहा था तो मैं यहाँ से ये डायरेक्शन कर लेता हूँ, या फिर ऐसा कर लेता हूँ, ये मैं इस तरह से ऑप्शन लेता हूँ, ओके करता हूँ। नाउ अब जब मैं आर्क लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए ऐसे जिस डायरेक्शन में भी लेना चाहें वैसे डायरेक्शन के अंदर आप इसे आर्क बना सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ से यहाँ लाके मिला। तो बताया मैंने आपको कंट्रोल जे से क्या होता है, ज्वाइन होता है सभी ओपन लाइन को, हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये है इस आर्क टूल का रोल। नेक्स्ट है स्पायरल टूल। इनको मैं उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, बार वर्क स्पेस में रख देता हूँ, इनको हम वापस काम में लेंगे थोड़ा। अब देखिए स्पायरल, कितना स्पायरल बनाना है क्लिक करेंगे, ये बता रहा है इसकी स्पायरल की प्रॉपर्टीज। इस तरह से स्पायरल ड्रॉ होगा, 3 आर्क 4 आर्क का, जितना भी हम स्पायरल लेना चाहें उतना स्पायरल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। रोटेट करेंगे, रोटेट करके हम ऐसे इसको पोजिशन चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, हम कुछ ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करेंगे ऑल्ट के साथ, देन डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी, तो ये स्टेप डुप्लीकेट एंड रिपीट कर देगा। और इस तरह से हम आर्क का ऐसा पैटर्न बना सकते हैं। मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब होता है पेस्ट इन फ्रंट, फ्रंट में उस ऑब्जेक्ट को जो कॉपी किया गया है पेस्ट करें। और यहाँ से हम टूल लेंगे फ्लिप करने का, इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। ये देखिए फ्लिप हो गया, इसको हम ड्रैग करेंगे, ये देखिए कुछ ऐसा पैटर्न या ग्रिल डिज़ाइन हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ऐसे इसको हम आपस में इनके जो नोड हैं एंकर पॉइंट को मिला देंगे। कंट्रोल जे अगेन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कंट्रोल जे में एक स्पायरल से दूसरे स्पायरल का जो एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट जुड़ जाता है इस तरह से। तो हम ऐसे नहीं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, ये और ये दो नोड सेलेक्ट करके हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे करते हैं और इनको एक इंडिविजुअल शेप बना दिया। जैसे ये लिया, इसको लिया कंट्रोल जे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहा है इसलिए इसको हम अलग अलग करके करेंगे, ताकि इसके हॉरिजॉन्टल में कोई ऑब्जेक्ट ना है, वर्टिकल में है तो उन्हीं को वर्टिकली ये ज्वाइन करें। ये होता है स्पायरल टूल से कोई भी स्पायरल ड्रॉ करना। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा स्पायरल का। आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कितना रेडियस देना चाहते हो स्पायरल का, डीके कितना देना चाहते हो, 60% दे देता हूँ, नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चाहिए मैं कम कर देता हूँ, या मैं बढ़ा सकता हूँ ऐसे,
और उसका डायरेक्शन स्पायरल अपसाइड अपर साइड आना चाहिए या बॉटम से आना चाहिए। क्लिक करेंगे जो मैंने डिफाइन किया था स्पायरल, उस डिफाइन अकॉर्डिंग ये बना देगा। अब देखिए इसको अपोजिट करना चाहता हूँ, कंट्रोल डी करके ऑल्ट के साथ ड्रैग करने पर डुप्लीकेट होगा और कंट्रोल डी से वही स्टेप डुप्लीकेट एंड रिपीट पर काम करेगा। अभी अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ जस्ट वो जो मैंने मूव किया था वो स्टेप रिकॉर्ड हुआ है तो वही चीज़ पर ये मूव कर देगा उसको कंट्रोल डी में। इसको हम करते हैं फ्लिप एंड रोटेट। तो फ्लिप एंड रोटेट के लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स रिफ्लेक्ट का ओपन होगा। इस रिफ्लेक्ट ऑप्शन से मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ, जैसे दिखाए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे फ्लिप कर सकता हूँ। सेंटर पॉइंट हमें डिफाइन करना होगा। अगर हम यहाँ से राइट साइड से इसको एग्जैक्ट राइट साइड से फ्लिप करना चाहते हैं तो अभी क्या सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग कर रहा है ये, तो यहाँ से मैं इसको वापस कैंसिल करता हूँ। ऑल्ट के साथ में ये टूल लेंगे रिफ्लेक्ट टूल, ऑल्ट के साथ में जहाँ से भी आप इसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, सेंटर पॉइंट उस पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक किया है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग करेगा। देखिए मैंने सेंटर पॉइंट अब चेंज कर दिया। मैं एंगल भी दे सकता हूँ, 45 डिग्री के एंगल में इसको रोटेट कर दे, 12 डिग्री रोटेट कर दे, जितना डिग्री में देता हूँ उतने डिग्री में ये उसको रोटेट कर देगा। तो अब मैं चाहता हूँ इसके डुप्लीकेट को करें, यही ऑब्जेक्ट रहे और इसका डुप्लीकेट हो जाए, देन कॉपी। कॉपी करने पर इसको ये वर्टिकल डुप्लीकेटिंग कर देगा। तो अब देखिए स्पायरल से आप क्या रोल आ गया, ये चीज़ आ गई, ये ग्रिल आ गई। इसको भी हम कंट्रोल जे करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रोल है स्पायरल टूल का। ठीक है फ्रेंड्स।